तो चलिए शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बांसवाड़ा दौरा और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम गहलोत घाचोल मोटा गांव पहुंच गए हैं। बांसवाड़ा के दौरे पर देखिए मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसमें अब तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, हाथ हिलाकर आगंतुकों का, जो लोग वहां पर मौजूद हैं इंतजार कर रहे हैं उनका अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीएम अशोक गहलोत घाटोल पहुंच गए हैं। घाटोल गांव मूटा पहुंच रहे हैं सीएम अशोक गहलोत और वहां पर महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने से पहले जिस तरह से आपने उनके संबोधन को सुना भी था, इससे पहले जब मुख्यमंत्री पहुँच रहे थे उसके बाद उन्होंने जब तस्वीरें सभी लोगों के साथ बारी बारी से क्लिक करवाई, फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा के घाटोल की तस्वीरें, सीएम अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर शाम में त्रिपुरा सुंदरी के दर्शनों के साथ इस कार्यक्रम आज के दिन के कार्यक्रम का समापन वो करने वाले हैं, लेकिन बड़ी सादड़ी और प्रतापगढ़ में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन सीएम अशोक गहलोत ने किया। तस्वीरें दिखा रहे हैं, हेलीपैड की तस्वीरें, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच गया है और हेलीकॉप्टर में उनके साथ में जो लोग मौजूद हैं वो भी साथ पहुंचे। लेकिन ज्यादा खास बात ये कि आज ये तीसरा स्थान जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं, इससे पहले जब वो अन्य जिलों के दौरे पर भी जाते रहे हैं, महंगाई राहत कैंपों का किस तरह से पहुंचकर खुद जायजा लेते हैं, जानते हैं वहां की टीम से कि कितने रजिस्ट्रेशन अब तक हुए हैं। और रजिस्ट्रेशन के अगर आंकड़ों की बात करें तो करोड़ों की संख्या इन्होंने महज एक महीने के भीतर ही पार कर ली थी, जो कि नित नया आयाम स्थापित कर रही है। तस्वीरें बांसवाड़ा के घाटोल से आप देख रही हैं, मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए बड़ी संख्या में रो देखिए कालीन बिछा दिया गया है। सीएम अब यहां से होकर अंदर प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर जितने लोगों की उपस्थिति है उसमें एक बात खास, महिलाएं भी काफ़ी उत्सुक नजर आई, क्योंकि महिलाओं के लिए जिस तरह की घोषणाएं विगत दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई, भले ही वो बजट घोषणाओं का जिक्र हो या फिर महंगाई राहत कैंपों में महिलाओं को दी जाने वाली सहूलियत। मुख्यमंत्री की तस्वीरें हेलीकॉप्टर के अंदर से अब से कुछ ही देर के बाद सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप ये तस्वीर देखेंगे जब सीएम यहां से होकर गुजरेंगे और उसके बाद जितने लोग वहां पर मौजूद हैं, जिस तरह की तैयारियां की गई है उनका भी जायजा सीएम अशोक गहलोत लेने वाले हैं। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर, महंगाई राहत कैंप 30 जून तक इसकी डेडलाइन, लेकिन जनसभा को संबोधित इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। उस जनसभा की कुछ चंद खास बातें आपको बता देते हैं। सोशल सिक्योरिटी पूरे देश भर में लागू की जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस मंच के माध्यम से ये मांग की। तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री यहां से गुजरेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ के दौरे पर जब पहुंचे, बड़ी सादड़ी के गांव चैनपुरिया में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया, एक जनसभा को संबोधित किया और ये देखिए तस्वीरें, सीएम की तस्वीरें हैं, चेहरे पर खुशी मुस्कान और वहां पर सभी मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महेंद्रजीत सिंह मालवीय उनके साथ पहुंचे हैं। इससे पहले प्रतापगढ़ में भी उनके साथ में महेंद्रजीत मालवीय रहे और अब मुख्यमंत्री चूंकि यहां से आगे बढ़ रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत के बांसवाड़ा दौरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिसे जहां पर जगह मिली वो वहीं पर रुक गया मुख्यमंत्री को देखने के लिए। देखिए पेड़ पर लोग चढ़े हुए हैं और पेड़ पर चढ़कर भी लोग वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दीदार करने के लिए, उन्हें देखने के लिए एक टक आंखें लगाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने भी जब ये नजारा देखा होगा, जब ये दृश्य देखा होगा तो यकीनन अभिभूत हो गए होंगे, क्योंकि इस तरह के जो दृश्य होते हैं वो किसी के भी स्मृति पटल पर, आप समझिए कि इतने साल तक राजनीतिक अनुभव रखने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो लोग उनका कितने तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिसे जहां पर जगह मिलती है वो वहीं पर रुक गया, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, क्योंकि छोटा सा गाँव है घाटो, लेकिन वहाँ पर इन सभी योजनाओं घोषणाओं का क्या असर पड़ रहा है इसका जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री पहुंचे और समुदाय के लोगों में खास पैठ भी बनाने की कहीं ना कहीं ये तस्वीर एक पुख्ता प्रमाण स्पष्ट कर रही है। देखिए पेड़ों पर चढ़कर, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर मुख्यमंत्री को देखने के लिए, मुख्यमंत्री के काफिले को देखने के लिए, जिन्हें आज तक टेलीविजन पर देखा था या फिर अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा था, उन्हें अब अपने बीच में पाकर लोग खुश तो हैं ही, लेकिन ज्यादा क्लोज दृश्य के लिए कुछ लोग पेड़ों पर भी चढ़े हुए हैं। हालांकि इनकी सुरक्षा के लिए भी जतन किए जा रहे हैं कि सुरक्षित वहां से नीचे उतर जाएं।
और सभी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बलीभांति मिलते हैं, बारी बारी से सभी के साथ मुलाकात करते हैं। उसमें कोई इस तरह का मीडिएटर नहीं होता जो लोग वहां पर होते हैं, तो बारी बारी से सब मुलाकात करने के लिए भी जितने लोग मौजूद हैं उनसे देखिए, ये देखिए पहली तस्वीर, मुख्यमंत्री सबसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल वहाँ पर जो महिलाएँ मौजूद थी उनके साथ में बातचीत कर वो बात के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वो कहना चाह रही है। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि स्वागत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि उन्हें देखने के लिए मौजूद हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि लाभार्थी हैं, और कई ऐसे हैं जो अपनी बांकों को लेकर, अपनी बातों को लेकर वहाँ पहुँचे हैं। महेंद्रजीत मालवीय उनके साथ में, और दूसरी तस्वीर में लोकप्रियता का अंदाजा बताते हुए ये एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर। मुख्यमंत्री को देखने के लिए पेड़ों पर चढ़े हुए हैं लोग। सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये दो तस्वीरें बयां कर रही है कि तेज गर्मी में ना तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हौसले कम पड़े और ना ही उनके इंतजार में जो लोग मौजूद थे, जिसे जहां जगह मिली भले ही वो ऊंचा सा पेड़ हो, लोग वहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं, कर रहे थे। और फिलहाल ये तस्वीरें, क्या जानकारी और रवि? रवि आवाज पहुंच रही है आप तक? तो देखिए दो तस्वीरें अलग अलग, दो तस्वीरें कई इमोशंस को बयां करते हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांसवाड़ा के घाटोल पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही इस पैसेज में एंट्री उन्होंने ली, वहां पर महिला जिससे मुखातिब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो रहे हैं, संभवतः अपनी कोई परिवेदना वहां पर लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कि जनसुनवाई नहीं है, लेकिन एक जनसुनवाई का रूप यहाँ से नजर आया। साथ ही लाभार्थियों से बातचीत करते हैं तब भी वो जानते हैं कि वाकई में किसी तरह की परेशानी तो उन्हें नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर गारंटी कार्ड मिलने तक कितनी सहूलियत उन्हें रही, और सहूलियत के पैरामीटर को इस तरह से भी जांचा जाता है कि टीम का किस तरह सहयोग रहा, जिन अधिकारियों के अंदर ये राहत कैंप चल रही है उनकी कितनी संलिप्तता उसमें है, कितना सहयोग वो कर रहे हैं, कितनी सहभागिता उसमें है। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री को देखने की चाहत लोगों को पेड़ों पर ले आई, और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। रवि हमारे साथ जुड़ के, रवि आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, देखिए जयती, घाटोल विधानसभा का मोटा गांव जो जगह है, यहाँ पर एक बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो रवि दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। मुख्यमंत्री अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद फिलहाल देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दावासवाड़ा दौरे की तस्वीरें। घाटोल मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस समय वो पहुंचे उस समय की तस्वीर। तमाम पुलिस व्यवस्थाओं के बीच में, सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में मुख्यमंत्री तेज गर्मी को बीट करते हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये गजब की एनर्जी, तेज गर्मी को बीट करते हुए गजब की एनर्जी उन लोगों की भी जो कि पेड़ों पर चढ़कर मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते ठीक से तो नीचे भी रह सकते थे, लेकिन उन्हें और भी ज़्यादा करीब से और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मुख्यमंत्री को देखना था, और इसी वजह से पेड़ों पर चढ़ गए। रवि हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। रवि, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का अंदाज़ा काफ़ी हद तक इस तस्वीर के जरिए स्पष्ट है, जिसमें लोग पेड़ों पर चढ़कर उनके दीदार के लिए आतुर होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अंदर आ गए हैं, रवि क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए जयती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ पहुंचे तो बड़ी संख्या में, जैसा हम लगातार बता रहे हैं, एक बड़ी तादाद में जो भीड़ है, जो लोग हैं इस अंचल के आदिवासी इलाके के, वो मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अभिवादन किया मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाए। फिलहाल सीएम जो है वो सेफ हाउस में है, और यहाँ से थोड़ी देर में सेफ हाउस से बाहर आकर और महंगाई राहत कैंप जो लगाया गया है वहाँ उसका अवलोकन करेंगे। महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गाँव जो बिल्कुल रवि, और कहीं ना कहीं जिस तरह से महंगाई राहत कैंपों का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, और अगला जो पड़ाव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो महंगाई राहत कैंप का ही रहेगा। आपसे कुछ ही देर के बाद जब निकलेंगे, फिलहाल तस्वीरें दिखा देते हैं एक बार फिर से दर्शकों को। ये तीन अलग अलग तस्वीरें, सीधी तस्वीर, तस्वीर दूसरी तस्वीर जिसमें लोगों का इंतजार यहाँ पर अब मुकम्मल अंजाम पाता हुआ नजर आ रहा है, और तीसरी तस्वीर जिसमें मुख्यमंत्री जब पहुंचे व्यवस्थाओं को देखकर संतुष्ट नजर आए, अभिवादन स्वीकार किया। ये दो तस्वीर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घाटोल पहुंच गए हैं, उसके बाद सुबह में जिस तरह से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मेवाड़ और वागड़ का दौरा है, मेवाड़ वागड़ बेहद खास राजनीतिक लिहाज से भी, ये मेवाड़ वागड़ का अंचल काफ़ी खास हो जाता है। संबोधन उनका रहा जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को फिर से घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की समस्त कल्याणकारी योजनाएं
ना सिर्फ प्रदेश के लोगों के मानसिक और जिंदगी के पटल पर, उनके व्यक्तित्व पर, बल्कि बाहर भी कई लोगों के व्यक्तित्व पर इस तरह का असर डाल रही है कि अब तो दूसरे राज्यों में भी इन योजनाओं को लागू करने की मांग शुरू हो गई है। और इसी बात पर, इसी तर्ज पर वो केंद्र सरकार से एक बार फिर से मांग करते हैं। मीडिया के जरिए उन्होंने अपने फिर से स्वर बुलंद किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से फिर से मांग करते हैं कि सोशल सिक्योरिटी को पूरे देश भर में लागू कर दिया जाए। और देखिए, घाटोल से तस्वीर, आदिवासी नृत्य के साथ मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए लोग वहां पर मौजूद। पारंपरिक तरीके से सीएम का स्वागत करने की तैयारी